नडीन डी क्लर्क दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम में एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाती हैं। इन्होंने मई 2017 से अपने देश के लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो आइए जानते हैं इनके बारे में इनके जीवन परिचय के साथ। नडीन डी क्लर्क का जन्म 16 जनवरी 2000 को प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में हुआ। नडीन दाएं हाथ की बैटर और दाएं हाथ की मीडियम फास्ट बॉलर है। टीम में इनकी मुख्य भूमिका एक ऑलराउंडर की होती है और इनके जर्सी नंबर है 32। नडीन डी क्लर्क की कैप नंबर यानी इनका देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण नंबर। T20I में इनकी कैप नंबर है 44। इन्होंने अपना पहला 2020 इंटरनेशनल मैच 13 फरवरी 2018 को इंडिया के खिलाफ खेला और वनडे में इनकी कैप नंबर है 79। इन्होंने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 9 मई 2017 को ये भी इंडिया के खिलाफ खेला और टेस्ट में इनकी कैप नंबर है 59। इन्होंने अपना पहला टेस्ट इंटरनेशनल मैच 27 जून 2022 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला। और नडीन डी क्लर्क डोमेस्टिक लेवल और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंस ब्रिस्बेन हीट BBL और द ब्लेज टीम से खेली और खेलती हैं। इन्हें हाई स्कूल में एथलेटिक्स के लिए स्कॉलरशिप मिली और ये एक जैवलिन थ्रो खिलाड़ी बनना चाहती थी। अपने भाई और पिता के साथ क्रिकेट सिर्फ मनोरंजन के लिए खेलते थे। फिर 16 साल की उम्र में इन्होंने क्रिकेट को गंभीरता से लिया और तब से इन्होंने अपना पूरा फोकस क्रिकेट खेलने पे किया। नडीन डी क्लर्क ने 13 साल की उम्र से ही साउथ अफ्रीका के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। फिर इन्हें अंडर 19 में खेलने का मौका मिला जहां इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट ने नडीन डी क्लर्क को लगातार 2 साल अंडर 19 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए चुना। डोमेस्टिक में अच्छे प्रदर्शन के बाद 17 साल की उम्र में इन्हें साउथ अफ्रीका के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए बुलावा आया और 9 मई 2017 को इंडिया के खिलाफ नडीन डी क्लर्क ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया और 13 फरवरी 2018 को इंडिया के खिलाफ ही अपना T20I में भी डेब्यू किया। फिर सितंबर 2019 में दक्षिण अफ्रीका में महिला T20 सुपर लीग में उद्घाटन संस्करण के लिए और ऑस्ट्रेलिया में 2020 ICC T20 विश्व कप के लिए इन्हें दक्षिण अफ्रीका की टीम में शामिल किया गया और वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल मैच में नडीन डी क्लर्क ने अपनी बॉलिंग से 4 ओवर में मात्र 19 रन देकर 3 विकेट लिए। फिर न्यूजीलैंड में 2022 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए और जून 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की टेस्ट टीम में इन्हें नामित किया गया और इंग्लैंड के खिलाफ 27 जून 2022 को नडीन डी क्लर्क ने अपना टेस्ट डेब्यू किया और इंग्लैंड में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए इन्हें दक्षिण अफ्रीका की टीम में शामिल किया गया। तो हम नडीन डी क्लर्क के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि ये इससे भी और अच्छा क्रिकेट खेलें और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगे और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है तो कृपया हमसे TeamNationTamasha@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।